सहायकों ने जिला मुख्यालय में वेतनमान नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रैली निकाली। इस दौरान रोजगार सहायकों ने प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। रोजगार सहायकों की मांग है कि उनका ग्रेड पे निर्धारित कर नियमितीकरण प्रदान किया जाए ताकि उन्हें सम्मानजनक वेतन मिल सके। रोजगार सहायकों को वर्तमान में 5 से 6 हजार रूपए मानदेय ही मिल रहा है, जिसको लेकर रोजगार सहायकों ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के पहले मौजूदा सरकार ने उनसे ये वादा किया था कि उन्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन सत्ता मिलने के बाद अपने वादों को भूल गए हैं। पंचायत का जो नगर निकाय में सम्मिलित हो रहे हैं वहाँ के जा सहायकों को उसी निकाय में समायोजन किया जाना है सर। और तीसरा है सर, जो हम समस्त रोजगार सहायकों को सचिव पद पर सीधी भर्ती होना है के आधार पर, और हम रोजगार सहायकों को सहायक सचिव घोषित किया जाना है। मानदेय में ऐसे हैं जो 5 से 6 हजार मिल रहे हैं हमको, और सरकार 3 वर्ष हो गई है, हमारे मानदेय में 1 रुपए की भी वृद्धि नहीं की है, जिसके फलस्वरूप हमने लेटर के माध्यम से विधायक महोदय जी हैं, अपने सांसद महोदय जी हैं, और जिला के जो जनपद के जो सदस्य हैं उनको भी हम अवगत कराए हैं कि सर ये हमारे दैनीय स्थिति है, जो मानदेय हमको 5 से 6 हजार मिल रहे हैं, क्यों ना हम आपके द्वारा उनको मानदेय के रूप में घोषित किया जाए। और तो मामला पूरा कांकेर का है, जहां पर रोजगार सहायक खासा नाराज देखे जा रहे हैं। उनका कहना है कि सम्मानजनक वेतन मिलना चाहिए, और साथ ही नियमितीकरण की मांग भी कर रहे हैं। और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब इलेक्शन थे उस वक्त वादा किया गया था अपने घोषणा पत्र में, वचन पत्र में इसको शामिल किया गया था, पर अब सरकार अपने वादे को भूल चुकी है, जिसको याद दिलाया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि उन्होंने वादा खिलाफी की है, ये भी आरोप लगाया है रोजगार सहायक संत्र ने। और साथ ही उनका कहना है कि जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए अथवा बड़ा आंदोलन किया जाएगा, ये चेतावनी भी दी है। तो नियमितीकरण की मांग कई जगह से उठ रही है, और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, भारत सरकार ने एक निर्धारित मानदेय जो निम्न है वो मानदेय निर्धारित किया हुआ है, फिर आखिर क्या कुछ वजह है कि इनको एक सम्मानजनक वेतन भी नहीं मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, कांकेर जिले के रोजगार सहायकों की 3 सूत्री मांग है, जिसमें प्रमुख रूप से इन्होंने यह मांग रखी है कि ग्रेड पे पर निर्धारित नियमितीकरण प्रदान किया जावे, साथ ही जिन ग्राम पंचायतों को नगर निगम नगर पंचायत में शामिल किया जा रहा है वहां के रोजगार सहायकों को निगम तथा नगर पंचायत में सेवा कर रखा जाए, वही ग्राम रोजगार सहायकों को संविदा के पद पर वरिष्ठ के आधार पर सीधी भर्ती की जाए ताकि रोजगार सहायकों को सचिव घोषित किया जाए, वही प्रमुख रूप से इन्हें 5 हजार वेतन दिया जा रहा है, जिसके चलते इनका कहना है कि 5 हजार आज के समय में कुछ नहीं होता, साथ ही इन्होंने अपने वेतन विसंगति को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा इनकी मांगें अब तक पूरी नहीं की गई है, जिससे ये काफी नाराज हैं, और इनका यह भी कहना है कि अब इनकी मांगें पूरी नहीं होती तो 15 दिसंबर के बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा कि किस तरह से इसको लेकर सरकार संज्ञान लेती है या फिर नहीं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। एक और जहां शासन द्वारा सफाई अभियान और